मैम, क्या हम लोग कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा से बीजेपी के अंदर बेचैनी है? और क्योंकि अगर आप लोकप्रियता के लिहाज से देखें, अगर आप नरेंद्र मोदी के मॉडल को देखें, तो सक्सेसफुल मॉडल है। ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी ने अभी प्रेस से बात करना बंद कर दिया या वह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। वो जब से प्रधानमंत्री बने तब से वो कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे, नेगोशिएशन नहीं कर रहे हैं, और करते भी नहीं, उनको इस बारे में यकीन भी नहीं है, जब तक कि पॉलिटिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। तो ये तुलना करना क्या ठीक होगा इन दैट सेंस, नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी, बट राहुल की यात्रा से बीजेपी में बेचैनी, ये दोनों चीजें जुड़ती हुई दिखाई पड़ती है आपको? नहीं, देखिए, पहले तो बीजेपी को ये तय करना पड़ेगा कि उनके नजरिए में राहुल का कद क्या है। या तो वो पप्पू हो सकते हैं या तो कुछ सीरियस थ्रेट हो सकते हैं, दोनों तो नहीं हो सकते ना। तो पहले तो ये तय करें कि वो राहुल को किस कदर सीरियसली लें, क्योंकि उनको, देयर इज एन एक्सप्रेशन इन इंग्लिश व्हिच सेज ही इज गेटिंग अंडर देयर स्किन। तो उनको ये बिल्कुल दिख रहा है कि बीजेपी इससे थोड़ी हड़बड़ा गई है, ये तो बात साफ है। लेकिन किस हद तक इसका असर राजनीति पे होगा, इलेक्टोरल प्लेटफॉर्म पे होगा, ये सब बात की बात है। लेकिन इतना जरूर है कि पिछले 6 या 8 महीनों में जिस तरह से राहुल गांधी उभरे हैं, शायद उसका अंदाज ना तो राहुल गांधी को था, ना तो बीजेपी को था, ना तो कांग्रेस को था। और उसी उसी स्ट्रेंथ के बेसिस पे राहुल गांधी ने यहाँ का जो दौरा किया वो उसी के बेसिस पे था। और एक बात जो पूर्णिमा जी ने कही, मैं देखिए, मैं मेरा ये कहना बिल्कुल नहीं है कि 700 लोग कम होते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जब आप डायस्पोरा में आते हैं और डायस्पोरा में अपील करते हैं, तो दोनों की जो स्टाइल है वो इतनी अलग है कि आप अगर कल की मीटिंग देखें, ये इट्स एन ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट दैट द पीपल लुक रिमार्केबली अनइन्वॉल्व्ड। इफ यू लुक एट जस्ट विजुअली, इतनी बार कैमरा पैन हुआ था उस ऑडियंस पे और डायस पे, यू आई मीन आई एम अ वेरी विजुअल पर्सन, तो मुझे वो देख के लगा कि बहुत फर्क है। अगर आप अभी सही है गलत है वो भूल जाइए एक मिनट के लिए, किसी भी बीजेपी इवेंट में, इवेंट को देखिए अमेरिका में, आपको उत्साह नजर आएगा। अभी ये उत्साह प्रिटेंडेड है या सही है, अगेन दैट्स इरेलेवेंट। द सिंपल फैक्ट इज उसका जो ऑप्टिक्स है दोनों का, वो बहुत ही अंतर है दोनों में। उस ये कहने के बाद फिर मैं कहूंगा कि इसका कोई ना तो भारत के चुनाव के लिए कोई मतलब है, ना तो राहुल गांधी के भविष्य के लिए उसका कोई मतलब है। तो ये बातें हमको ध्यान में रखना जरूरी है कि ये बिल्कुल सही है कि राहुल गांधी मानते हैं कि वन ऑन वन एंगेज करें लोगों से, और उस मामले में नरेंद्र मोदी उनका हाथ नहीं पकड़ सकते, उन्होंने कभी किया ही नहीं है प्रधानमंत्री बनने के बाद, और उनकी स्टाइल भी नहीं है, उनको शायद पसंद भी नहीं है, या तो कॉन्फिडेंट नहीं है, जो भी कह लीजिए आप। और राहुल गांधी ने पिछले 6 महीने में कुछ इस तरह से इंडिविजुअल एंगेजमेंट किए हैं जो शायद भारत की राजनीति में मैंने तो आज तक नहीं देखी। मैं पिछले 42 साल से देख रहा हूँ भारत की राजनीति, दिल्ली में था 10 साल, इन्हीं लोगों से उठना बैठना था। तो ये एक नया अंदाज है। राहुल राहुल के पिता राजीव गांधी थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन इतना नहीं करते थे जिस कदर राहुल कर रहे हैं। पार्थ, आपको क्या लगता है कि बीजेपी के अंदर बेचैनी का कारण आप क्या देखते हैं? और यह सच है कि राहुल गांधी की छोटी सी छोटी गलती हो या छोटी छोटी बात हो, बीजेपी बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करती है। उस रिएक्शन में बहुत ही कॉन्डिसेंडिंग टोन भी होता है, उसमें सरकाज्म भी होता है, बिटरनेस भी होती है, एक तरीके की हेट भी उसमें दिखाई पड़ती है। तो ऐसा क्या है? देखिए, बीजेपी जो बहुत लोग नहीं जानते हैं कि बीजेपी इज ड्रिवन बाय आरएसएस, और हम जानते हैं क्योंकि हम आरएसएस में थे बहुत साल, हम लगभग 20 साल हम उनके साथ थे और उनके साथ काम किया। तो मेरा जो जानकारी है वो बिल्कुल अलग है और फ्रॉम अदर्स। तो हम जानते हैं कि आरएसएस का जो टोटलिटेरियन जो तरीका है, जो स्टाइल है, और एक नेता एक भाषा एक धर्म, इसका जो तरीका है और जो आइडियोलॉजी उन लोगों के पास है, वो बिल्कुल, पीपल हैव नो आइडिया व्हाट बीजेपी इज ऑल अबाउट। तो बीजेपी के अंदर में ये डाइवर्सिटी और ये जो एक्लेक्टिक स्टाइल है पॉलिटिक्स का, जहां सब लोग बात कर सकते हैं,
जहां टॉलरेंस है, जहां आर्गुमेंट्स है, जहां डेमोक्रेसी है, ये सब जो फंडामेंटल चीजों हैं हमारे देश के लिए, इन चीजों में बीजेपी और खास आरएसएस का कोई भी विश्वास नहीं है। ये फर्क है। राहुल गांधी और राजीव गांधी, जैसे मायंक भैया कहा है, थोड़ा बहुत किया था लेकिन ज्यादा नहीं किया। राहुल गांधी इज द फर्स्ट पॉलिटिशियन इन माई नॉलेज एंड आई हैव बीन डूइंग पॉलिटिक्स फॉर गॉड नोज हाउ मेनी डेकेड्स, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग अ लीडिंग पॉलिटिशियन कमिंग डाउन टू अर्थ एंड गेटिंग टू नो पीपल वन ऑन वन। एंड मोदी, व्हाट मोदी इज डूइंग इज टोटली डिक्टेटोरियल। What they have done when they inaugurated the new Sansad Bhavan, जहां देश का प्रेसिडेंट को भी आमंत्रित नहीं किया, ये कभी कभी भी नहीं हुआ भारत के इतिहास में, स्वाधीन भारत के इतिहास में पहला बार। तो ये बिल्कुल एक डिक्टेटर जैसा तानाशाही है, और राहुल गांधी का तरीका स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है, एंड पीपल आर स्लोली लाइकिंग इट। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।